Today I'm going to talk about having sacred food. हम सब अपने घरों में खाना खाते हैं और हर रोज़ खाना बनता है. हम अगर इस चीज़ को ज़रा थोड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व करें तो हम ये देखेंगे कि जब हम कोई ऐसी गैदरिंग करते हैं जिसमें हम अल्लाह और उसके हबीब का नाम पढ़ते हैं या कोई ऐसी न्याज दिलाते हैं, लंगर देते हैं या कोई दस्तरखान करते हैं, तो उससे पहले हम वो तबरुक रख के, वो जो न्याज हमने देनी होती है वो रख के अल्लाह सुबहाना व तआला का नाम पढ़ते हैं, दरूद शरीफ़ पढ़ते हैं, अलहम्द शरीफ़ पढ़ते हैं, कुल पाक पढ़ते हैं दरूद शरीफ़ पढ़ के, तो नज़र न्याज, लंगर, दस्तरखान जो भी होता है वो हदिया करते हैं अल्लाह सुबहान व तआला की बारगाह में. इन रियलिटी इस चीज़ का एहसास हमारी ज़िंदगी में ये होता है और ये हमारा अकीदा और हमारा ये ईमान है कि जब हम कोई ऐसी नज़र न्याज, दस्तरखान या फिर लंगर करते हैं तो उसका एक तो टेस्ट नॉर्मल खाने से, या सबील जब लगाई जाती है पानी की, तो उस नॉर्मल खाने से उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है और उसकी जो बरकत होती है वो भी बहुत मुख्तलिफ होती है. ऐसा क्यों नहीं हम कर सकते कि हम अपने घरों में बनने वाला जो खाना है, जो रोज़ाना खाना बनता है, हम उस रोज़ के खाने को बिल्कुल इस तरह से खाएं कि जैसे वो तबरुक है, यानी हर रोज़ घर में बनने वाला खाना तबरुक के तौर पे हम क्यों नहीं बना सकते. उसके लिए हमें ऐसा क्या करना है. हम जब छोटे थे तो हमें, मुझे याद है कि मेरी नानो जब भी खाना बनाया करती थी, क्योंकि ज़्यादा हमारा वक्त अपनी नानो के साथ गुजरा, तो जब भी खाना बनाया करती थी तो या तो वो दुरूद शरीफ पढ़ रही होती थी या कोई अल्लाह का ज़िक्र या कोई आयतें, आयतल कुर्सी, अलहम्द शरीफ, और इस तरह से हम ये सुना करते थे कि वो पढ़ती थी. और हमने ये बात भी अक्सर सुनी है कि अगर एक औरत अगर चाहती है कि ये अपने हस्बैंड के दिल में घर करे और अपना अच्छा मुकाम बनाए और अपनी इज़्ज़त और उसके दिल में उसकी मोहब्बत आए, तो उसके लिए वो जब अपने हाथ, पहली बात तो अपने हाथों से खाना बनाए, जो कि आज हम आज के इस दौर में बहुत दूर हो गए हैं ख़ुद से खाना. हर किचन के अंदर कोई ना कोई कुक, शेफ़, कोई ना कोई काम करने वाली ऐसी है जो खाना बना रही होती है. तो पहली जो चीज़ है वो तो ये है कि हम अपने हाथों से खाना बनाएं, क्योंकि जब हम अपने हाथों से खाना बनाएंगे अपने बच्चों के लिए, तो वो जो एक मोहब्बत होगी वो कोई काम करने वाला शेफ़ या जो कोई भी और बंदा है या बंदी है जो बना रही किचन में, पहली बात तो ये, वो फीलिंग्स डेवलप हो ही नहीं सकती, वो चाहे जितना मर्ज़ी तब भी. लेकिन चलें, आपकी अगर कोई ऐसी मजबूरी है कि जिसकी वजह से आप नहीं कर सकते, ख़ुद नहीं खाना बना सकते, तो उसका अल्टरनेटिव जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैं भी कर रही हूँ एक्सपीरियंस, और इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है और वो इन्वेस्टमेंट ये है कि आप एक ब्लूटूथ ले लें, एक स्पीकर ले लें, कि जिसमें आप अल्लाह सुबहान व तआला का कलाम, सूरह यासीन, बिलखसूस सूरह रहमान, आयतल कुर्सी और जितनी भी ऐसी आयात हैं, ये सब जिक्र है अल्लाह सुबहान व तआला का, ये उसकी आयात हैं, उसकी मदा है, ये उसकी हमदो सना है, और वो तमाम चीज़ें हम एक USB में डाल के वो कनेक्ट कर दें. एंड जस्ट मेक श्योर कि जब किचन में काम करना शुरू हो तो वो जो आवाज़ है, जो आयात कुरानी है, वो आप चलाएं, ताकि जब खाना बन रहा हो तो वहाँ पर खराफात और जो मुख्तलिफ ऐसी गुफ्तगु जो हो रही होती है अक्सर काम करने वालियाँ फ़ोनों पे लग जाती हैं, उस गुफ्तगु की बजाय अल्लाह सुबहान व तआला का कलाम चल रहा हो, अल्लाह के कलाम और उस जिक्र और इस्कार में बना हुआ खाना, चाहे वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात की सूरत में हो, उनके ज़िक्र की सूरत में हो, अल्लाह की हम्द की सूरत में हो, मनकबत इमाम अली की सूरत में हो, जब आप वो करके तो इस खाने को बनाएंगे, तो फिर आप देखिएगा कि आपके घर के अंदर, क्योंकि हम ये सुनते हैं कि जो हमारी सोचें होती हैं वो खाने पे इफ़ेक्ट करती हैं, और हमारा जो खाना होता है वो हमारी सोचों के ऊपर इफ़ेक्ट करता है. तो जो हम सोचेंगे, जो सोचते हुए खाना बनाएंगे,
वो हमारे खाने को उसी तरह से एनर्जाइज करेगा। जिस खाने के साथ अल्लाह सुबहाना व ताला का नाम जब जुड़ जाएगा तो आप सोचें कि वो हाई एनर्जी फूड होगा और वो वाइब्रेशंस जो हैं वो किस तरह से अफेक्ट करेंगी आपकी अपनी सोचों को, आपकी अपनी ज़िंदगी को, आपके साथ जुड़े हुए उस घर में रहने वाले लोगों को और बिलखसूस आपके बच्चों को कितना पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा, जिसकी वजह से इंशाल्लाह आप देखेंगे विद इन डेज़ किस कदर खूबसूरत तब्दीली इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में आएगी। सब खाना आपके सामने आए तो एक लम्हे के लिए टेलीविज़न, फ़ोन्स, हर चीज़ को बंद करके आप अल्लाह से कनेक्ट करें। Close your eyes, recite Bismillah, recite Alhamd Sharif, recite Kul Sharif 3 times और उसके ये सारी जब आप पढ़ के अल्लाह से कनेक्ट करके वो वाइब्रेशंस जो हैं वो आएंगी उस खाने के अंदर, तो आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत तब्दीली आएगी। You'll feel healthy, you'll have healthy kids, you'll have healthy relationship in your houses with your spouses and you will have a great, great life. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.